दोस्तों ऐसे वैसे स्कूलों में एडमिशन लेने से पहले सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के इस वीडियो को ध्यान से और पूरा अच्छे से समझ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटा सा एक गलत स्टेप आपका पूरा करियर फ्यूचर चौपट बर्बाद ना कर दे। आपको बाकी सारे चैनल्स पे एसएससी की एसएससी स्कूलों की बड़ी तारीफें देखने को मिल रही होगी, एसएससी स्कूल इतने अच्छे हैं, एसएससी में ये बढ़िया है वो बढ़िया है, लेकिन हमारे चैनल की यही खासियत है कि यहाँ पर आपको रियलिटी दिखाई जाती है। आखिर सच्चाई क्या है, हमारे चैनल पर आपको सच्चाई पता चलती है। देखिए फैक्ट और रियल आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी है आप क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि हर चकाचौंध के पीछे एक डार्क पॉइंट भी जरूर होता है। वो डार्क पॉइंट समझें, ये प्रॉब्लम लगभग हर एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ है। सबसे पहले कमेंट को शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये कहते हैं कि मेरी डॉटर हाई एंड 21st राउंड क्लियर कर चुकी है। फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट राउंड इनका क्लियर हो चुका है हाई एंड में। ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड की बात करूँ मैं, आपका किसी दूसरे राउंड में फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका हो दूसरे डोमेन में, या आप सारे राउंड दे चुके हों, या आप वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हो, लेकिन आगे वह मेडिकल साइड में स्टडी करना चाहती है। लड़की चाहती है कि मेडिकल लें, मेडिकल साइड में डॉक्टर वगैरह बनना चाहती होगी, लेकिन उसका हाई एंड 21st सेंचुरी वाला फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। पहला सवाल इनका कि स्टेम के रिजल्ट का वेट करें या राउंड टू दे दें। मतलब भैया राउंड टू देना चाहिए या स्टेम का वेट करना चाहिए रिजल्ट का। पहली चीज़ देखिए मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँ, आप बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मतलब वो मिसगाइड हुए हैं, तो आप मिसगाइड ना हो। दूसरा है कि क्या हाई एंड में एडमिशन लेना ठीक रहेगा, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टेम भी पास कर लेगी। SKV 2 मंडावली स्कूल से हैं और गवर्नमेंट स्कूल है। एक राउंड में क्लियर हो गया है, एक डोमेन में फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड देना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों आपको कहा कि तीन तीन डोमेन भरो। आप स्टेम का रिजल्ट आता है सबसे बाद में आता है, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ वो स्टेम का वेट करते रह गए, उन्होंने फर्स्ट राउंड दिया ही नहीं बाकी सारों का, सेकंड राउंड दिया ही नहीं, ऐसे में क्या हुआ कि उनका सपना टूट गया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पूरा भरोसा था, पेपर अच्छा था, बट क्या करें, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं अच्छे हैं बट 30 मार्क का बच्चे भी हैं, तो भाई आपका नंबर नहीं आया तो आप रह जाओगे। तो आप सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, देखिए डार्क पॉइंट में उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि अगर फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है तो सेकंड राउंड आराम से दें, क्योंकि कोई पैसे नहीं लग रहे, आराम से आपने सेकंड राउंड भी दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब मान लीजिए आपका सेकंड राउंड भी क्वालिफाई हो गया। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके जितने डोमेन में फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया ना, सभी का सेकंड राउंड आराम से दें आप, और बिल्कुल बढ़िया तैयारी करके दें, प्रॉपर तैयारी, ये सोच करके कि आपको उसी डोमेन में एडमिशन लेना, करियर बनाना है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्टेम का रिजल्ट भी तब तक आ जाएगा, तब तक आपका सेकंड राउंड का भी रिजल्ट आने लग जाएगा। तो आप जो है आप ये पाओगे कि आपका हाई एंड 21st में भी सलेक्शन हो गया, आपका स्टेम में भी सलेक्शन हो गया, आपका दूसरे तीसरे में भी सलेक्शन हो गया। अब आपके पास ऑप्शन है, यू हैव चॉइस, यू कैन ज्वाइन हाई एंड 21st, स्टेम एंड वगैरह वगैरह दूसरे। अब आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा डोमेन लेना चाहते हैं, किस डोमेन में एडमिशन कराना चाहते हैं। बट ऐसा ना हो कहीं कि आपने हाई एंड का भी नहीं दिया, आपका स्टेम में भी नहीं हुआ, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना। दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ है कि चकाचौंध के पीछे बिल्कुल मत भागिए। आपको एसएससी के बारे में क्या पता है, आप वो जानिए सबसे पहले। हमें सिर्फ बाहरी ढांचा दिखाई दे रहा ना, एसएससी अच्छा है अच्छा है, सरकार ने पब्लिसिटी कर दी, कुछ हम जैसे यूट्यूबर्स ने भी पब्लिसिटी कर दी, आपको लगा कि भाई करियर फ्यूचर तो सब कुछ एसएससी में ही है। बिल्कुल फैक्ट है, एसएससी बाकी स्कूलों से काफ़ी हद तक बेटर है, बढ़िया आपको सब चीज़ वहाँ पर मिलता है, लेकिन सबसे पहले आप अपना करियर समझें, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या हुनर है, आपका क्या टैलेंट है। बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, बच्चे को नीट क्लियर करना चाहिए जो डॉक्टरी लाइन में आपको ले जाए। अगर आपका इंजीनियर बनना है तो आप जेई क्वालिफाई कीजिए, आप जेई की तरफ मूव कीजिए, आप PCM लीजिए, आप PC भी लेना है PCM लेना है आपका, जिसमें एडमिशन हो गया आपका जो क्लियर हो गया उसमें एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है SSC से अब बाहर निकलना, वो निकल ही नहीं पा रहे, एडमिशन ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, अब आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर वन वे है, सिंगल वे, आप जा सकते हो, वापस आना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आपका सबसे पहले ये सोचें, ये समझें, बैठ करके बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए
पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों की हेल्प कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए, उनको सुनिए, उनके अंदर क्या है पैसन, उनका क्या हॉबी है, उनकी किस लाइन में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या टैलेंट है उनके अंदर, कितना वो कर सकते हैं और कितना सपोर्ट आप कर सकते हो उन्हें। सारी चीज़ों को समझ करके आप बच्चे का एडमिशन कराइए। SYC टोटली फ्री है, लेकिन फ्री के चक्कर में भाई साहब हम गलत चीज़ तो नहीं लेंगे ना। मान लीजिए आपको बाहर किसी होटल में फ्री खाना मिल रहा हो, लेकिन वो 5-7 दिन का सड़ा बासी हो, खाओगे क्या? नहीं खाओगे। सेम दैट SYC फ्री में है, बट क्या आपके लिए सही है? वही तो लोगे। फ्री के चक्कर में किसी भी डोमेन में एडमिशन ले लिया, फ्री के चक्कर में अपना पैसन नहीं देखा, अपना हुनर नहीं देखा, अपनी हॉबी नहीं देखी, बस एडमिशन करा लिया, वापस नहीं आ पाओगे। एडमिशन आप एक बार अपने हाई एंड 21st में एडमिशन ले लिया तो आप मूव नहीं कर पाओगे इस टाइम में। एक बार आपने स्टैम ले लिया, ह्यूमिनिटी नहीं ले पाओगे, ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप सबसे पहले समझिए आपको क्या करना है। बच्चे भी मेरे पर, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर मैंने स्टैम ले लिया है, अब मुझे लगता है कि स्टैम मेरे बस की नहीं है, मुझे तो UPSC क्वालिफाई करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, तो सर मैं तो स्टैम नहीं लूँगा। बट अब तो फंस गए आप, अब आपने एडमिशन ले लिया। और वैसे भी अगर आप 9th और 10th पढ़ लेते हैं कोई भी 2 साल किसी भी डोमेन में, तो एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक के साथ में एक अच्छी चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, और उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं तो आपका वो 2 साल बेकार हो गया। मान लीजिए आपने हाई एंड में 2 साल दिए, आपको काफ़ी वहाँ पर रोबोटिक की नॉलेज हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने समझ लिया, है ना, और अब आप चाहते हैं कि मैं स्टेम लूँ, अब आप चाहते हैं कि मैं ह्यूमैनिटी लूँ, तो आपके 2 साल बर्बाद, वो आप कंफ्यूज रहेंगे लाइफ में। इसलिए प्लीज़ सबसे पहले समझिए किस फील्ड में जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो अभी वेल अच्छे मतलब बढ़िया स्कूल में होंगे, बढ़िया पोजिशन में होंगे, और वो उठ करके SYC में चल दिए, पता लगा कि SYC में तो और भी हालत ख़राब हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं SYC में जाकर के, क्योंकि उनके लिए क्या सही था वो उन्होंने चूज ही नहीं किया। चकाचौंध देखी, वाह भाई थी SYC की, अगल बगल में देखा कि भाई रुतबा है, मतलब स्टैंडर्ड है SYC का, तो भाई एडमिशन ले लिया। तो प्लीज़ आपका जो फील्ड है, आप अगर SYC आप इस टाइम में आपको लगता है कि हो जाएगा तो आप वेट कीजिए, Round 2 दीजिए, उसके बाद इस टाइम का भी आ जाएगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप इस टाइम में चले जा सकते हैं। बट प्लीज़ आप ऐसे ना करें। अगर आपका हुनर आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, अभी इसे क्लियर हो गया, सबसे पहले बच्चों को इस एज में ये नहीं पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, बट पेरेंट्स सारी चीज़ें जानते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको मेंटोर की ज़रूरत है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छे से डीपली समझना है तो आप कांटेक्ट कीजिए, आप आपके आसपास में कोई भी मेंटोर हो उनसे संपर्क कीजिए, आप मुझसे कोई भी राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। बेटर होगा कि किसी भी गलत स्टेप लेने से पहले, फंसने से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको बता दिया जाए भैया इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, उसके बाद आपके ऊपर है, मर्जी आपकी है कि आप ये वाला लें या ये वाला लें। आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे IAS ही बनना है, किसी भी हालत में UPSC क्वालिफाई करना, ज्वाइन कीजिए ह्यूमैनिटी। क्यों आप इस टाइम में अपनी एनर्जी लगा रहे हो भाई? रगड़ाई होगी तगड़ी इस टाइम में, अगर आप इस टाइम नहीं ले पाए, नहीं कर पाए, तो आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। तो यार शेयरिंग कर दो इस वीडियो को हर एक पेरेंट्स तक, हर एक स्टूडेंट्स तक। और आप किस कन्फ्यूज़न में हैं आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी है आपका वो रख दीजिए कमेंट में। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एटलीस्ट आप मिस गाइड ना हो। धन्यवाद।